वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलने के लिए हमारे हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बेल बटन आइकॉन पर क्लिक करके हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बी फार्मेसी एडमिशन 2019-20 के लिए एडमिशन डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और एलिजिबिलिटी के साथ में सिलेबस कैसा रहने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक पर जाकर इस पोस्ट पर आ सकते हैं और इस पोस्ट पर आकर आप हमारे यूट्यूब वीडियो को भी देख सकते हैं और इस पोस्ट पर भी आ सकते हैं जहां पर आपको एलिजिबिलिटी, सिलेबस की जानकारी और डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन अब जो वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, जो वीडियो हम आपको आज जिसकी जानकारी देने वाले हैं, वह वीडियो बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद बेहद से छात्रों ने हमसे सवाल पूछे थे कि सर, बी फार्मेसी एडमिशन नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लास्ट डेट अभी तक जारी नहीं हुई थी और आगे की ऑप्शन फॉर्म और जो भी डेट्स है मेरिट लिस्ट आदि की, वह अभी डिक्लेयर नहीं की गई थी, लेकिन अब वह डिक्लेयर हो चुकी है। अब आप इस लिंक पर आ जाइए, क्योंकि एलिजिबिलिटी, सिलेबस और डॉक्यूमेंट्स के बाद अब बारी आती है एप्लीकेशन प्रोसीजर की और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की। आप इस लिंक पर आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक से और आपको पता चलेगा वह सारे डेट्स जहां पर बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म एडमिशन 2019-20 डेट्स की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। पहले से भी बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बी फार्मा ऑनलाइन फॉर्म 2019 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। कैसे रहेगी बी फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस 2019-2020 के लिए, तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सार रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी था, जो कि आपने 7 जून 2019 से अब तक कर ही लिया होगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सार रजिस्ट्रेशन आपको अभी कर लेना चाहिए, इसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस को कर सकते हैं। चलते हैं आगे नोटिफिकेशन की तरफ, तो कैसा रहने वाला है आपका नोटिफिकेशन और कैसे दी गई है डेट्स। उससे पहले ड्यूरेशन की जानकारी आप ले लीजिए यहाँ से। 4 ईयर्स का ड्यूरेशन है इसका, डिग्री कोर्स है, 10+2 डिप्लोमा फार्मेसी के लिए इसकी एलिजिबिलिटी लगती है। अब और नीचे आप स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कैसे रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट और कैसे रहेगी इसकी प्रोसेस भी फार्मेसी के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट, तो उसके लिए 17 जून 2019 से 21 जून 2019 की डेट दी गई है। आपने अगर अब तक सार रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी आप कर लीजिए। आपको अब जब रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन अपने एप्लीकेशन को करने के लिए सेतु केंद्र पर जाना होगा। साथ ही आपको ले जानी होगी अपने एप्लीकेशन की एक प्रिंट, साथ ही में उसकी जेरॉक्स कॉपी और साथ ही में आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके जेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स 17 जून 2019 से 21 जून 2019 तक। अब आप बारी आती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने की वी फार्मेसी के लिए महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो 22 जून 2019 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र वी फार्मेसी जारी हो सकती है। उसके बाद अगर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में किसी भी पीसीएम या आदि जो भी आपको करेक्शन करने हैं, जो भी मार्क्स का करेक्शन करने हैं, बाकी जो भी डिटेल्स आपको करेक्शन करने हैं नेम के अलावा, वह कर सकते हैं आप 23 जून 2019 से 24 जून 2019 तक। अब फाइनल मेरिट लिस्ट आप कब देख सकते हैं बी फार्मेसी के लिए, तो 25 जून 2019 को आप देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट बी फार्म के लिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए। आपको कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड फर्स्ट के लिए सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होंगे 25 जून 2019 को। अब पहली शुरुआत होती है राउंड की, ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो आपको अपने लॉगिन से कैप राउंड फर्स्ट के लिए ऑप्शन फॉर्म भरना है 26 जून से 28 जून 2019 को। उसके प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड फर्स्ट के लिए 29 जून से शाम 5 बजे तक आप प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड फर्स्ट का देखेंगे, सॉरी 5 बजे तक नहीं, आप देख सकते हैं 29 जून 2019 से प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड फर्स्ट के लिए। अब जब आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, कहीं पे आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो बारी आती है आपको ARC जो था पहले वह अब सेतु के नाम से जाना जा रहा है, जो कि FC था वह भी अब सेतु के नाम से जाना जा रहा है, तो आपको अलॉटेड सीट्स के साथ में आपको फ्रीज
करना है। अगर आप एडमिशन चाहते तो आप फ्रीज कर सकते हैं, या फिर जिनके ऑटो फ्रीज हो जाएंगे उन्हें भी नजदीकी सेतु सेंटर्स पर जाकर अपने एप्लीकेशन को कंफर्म करना होगा। जो प्रेफरेंस होंगे, जो आप सेल्फ फ्रीज डेज अलॉटमेंट इन राउंड फर्स्ट थ्रू देयर लॉगिन मस्ट रिपोर्ट टू सेतु। जैसे कि हमने आपको बताया है, कैप राउंड फर्स्ट को अलॉट होने के बाद जो सीट आपको अलॉट होगी कैप राउंड फर्स्ट में ऑप्शन फॉर्म में, तो आपको उसे कंफर्मेशन के लिए जाना होगा 30 जून 2019 से 3 जुलाई 2019 तक। अब बारी आती है कैप राउंड सेकंड के प्रोविजनल वैकेंट सीट्स को जारी करने की। 5 जुलाई को आप देख सकते हैं कैप राउंड सेकंड के प्रोविजनल वैकेंट सीट्स को। ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन फॉर्म ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड सेकंड के लिए है 6 जुलाई से 8 जुलाई 2019 तक। प्रोविजनल अलॉटमेंट आप देख सकते हैं कैप राउंड सेकंड का 9 जुलाई से 9 जुलाई 2019 तक। अब जब आपको अलॉटमेंट यानी कि सीट मिल जाती है कैप राउंड सेकंड में, तो आपको 10 जुलाई से 12 जुलाई 2019 तक नजदीकी सेतु केंद्र पर जाकर अपने ऑप्शन फॉर्म को कंफर्म करना होगा। अपने ऑप्शन को जो आपको ऑटो फ्रीज हो गया होगा तो आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, जो लेकिन ऑटो फ्रीज नहीं हुए हैं उन्हें 10 जुलाई से 12 जुलाई 2019 तक सेतु पर जाकर कंफर्म करनी होगी अपने अलॉटमेंट सीट को। प्रोविजनल वैकेंट सीट कैप राउंड थर्ड के लिए 14 जुलाई को डिस्प्ले होने वाली है। कैप राउंड थर्ड जो होगा आपका, कैप राउंड थर्ड के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है 15 जुलाई 2019 से 17 जुलाई 2019 को। ध्यान रहे, ऑप्शन फॉर्म का मतलब ही है चॉइस कॉर्ड चुनना। ऑप्शन फॉर्म में ही आप कॉलेजेस को चुनते हैं। ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड यही है कॉलेज को चुनना फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में। अगर आपको फर्स्ट में जगह ना मिले तो सेकंड में आप फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन फॉर्म में। अगर आपको सेकंड में भी जगह नहीं मिलती तो आप फिर से कैप राउंड थर्ड में अपने भी फार्मेसी कॉलेजेस को चुन सकते हैं। अब आपको रिपोर्ट करना होगा 19 जुलाई से 21 जुलाई 2019 तक, जो कि आपको थर्ड राउंड में सीट मिलती है। इस प्रकार अब आप 18 नंबर का पॉइंट देखिएगा, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फीस। अब आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट किया गया है उसके कंफर्मेशन के लिए आपको और साथ ही सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और जो आपके बी फार्मेसी एप्लीकेशन की जो भी फार्मेसी कोर्सेज की फीस होगी उसे पेमेंट आपको करना होगा। तो आपको वह एडमिशन कंफर्मेशन कब करना है वह यहाँ पर देख सकते हैं। कैप राउंड फर्स्ट के लिए आपको 29 जून 2019 से 21 जुलाई 2019 को कर सकते हैं। अब जिन्हें कैप राउंड सेकंड में सीट अलॉट होती है वह सेतु में रिपोर्ट कर सकते हैं 9 जुलाई 2019 से 21 जुलाई 2019 तक। वही जिन्हें कैप राउंड थर्ड में सीट मिलती है वह रिपोर्ट करें सेतु में 18 जुलाई 2019 से 21 जुलाई 2019 को। इस प्रकार से बाकी जो भी बचे एनआरआई पीसीआई पीओआई जो भी अदर फॉरेन कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 23 जुलाई 2019 से 25 जुलाई 2019 को गवर्नमेंट राउंड्स और गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई करना होगा। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड। कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय फॉलोइंग गवर्नमेंट एडमिशन रूल्स। 25 जुलाई से 5 अगस्त 2019 होगी जो सभी एडमिशन के कमेंसमेंट होगी सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो वह 1 अगस्त 2019 होगी। अब कट ऑफ डेट जो है लास्ट में एडमिशंस की एकेडमिक ईयर 2019-20 की, तो वह 14 अगस्त 2019 होगी। और लास्ट डेट जो कि कॉलेजेस को सभी डाटा अपलोड करना है जो कि इंस्टीट्यूट लेवल से एडमिशन लेंगे, तो उन्हें 16 अगस्त 2019 तक अपलोड करने होंगे वह सारे एडमिशंस, क्योंकि बाकी जो भी एडमिशंस होंगे वह सभी ऑलरेडी स्टूडेंट्स के द्वारा और कंफर्मेशन सेतु के द्वारा कंफर्मेशन करने के बाद ऑलरेडी अपलोड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शेड्यूल रहेगा बी फार्मेसी का। आप हमें बताइए, आपको अगर कोई समस्या है, अगर नोटिफिकेशन की कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आती है तो हमें आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कोई समस्या आती है तो आप स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र स्टेट मुंबई के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी एड्रेस पर भी विजिट कर सकते हैं। बी फार्मेसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आपको पता ही है, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी दी गई है। हम आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अगर अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं तो, 10 से ज़्यादा कमेंट्स इसके बारे में अगर हमें दिखाई देते हैं तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सभी यूजी एडमिशन, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन
एडमिशन प्रोसेस या भी डेट्स की जो भी जानकारी है, इनके लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके सामने कभी नहीं आएगी। जल्दी अगला वीडियो होगा डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन डेट्स के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।